से हेलो कार, आज हम खड़े हैं 2017 मॉडल होंडा सिटी के सामने। फ्रंट लुक कुछ ऐसी आती गाड़ी की, देख सकते हैं। सामने की बात करें तो सामने की तरफ हमें यहाँ पर क्रोम हेडलैम्प्स के ऊपर डिज़ाइन देखने मिल जा रही है। काफ़ी स्पोर्टी लुक जो है इसे देखने मिल जाता है गाड़ी का, आप देख सकते हैं। एंड हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर हमें हेलोजन देखने मिल जा रहा है, पीछे से पूरी LED देखने मिल जा रही है। बीच में हमें होंडा का लोगो देखने मिल जा रहा है। यहाँ पर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक में ऐसी ग्रिल देखने मिल जाती है। एंड फॉग लैंप्स की बात करें तो फॉग लैंप्स हमें यहाँ पर नॉर्मल हेलोजन में ही देखने मिल रहा है, ठीक है। एंड साइड लुक की बात करें तो साइड लुक कुछ ऐसी आती गाड़ी की, ये आप देख सकते हैं। एंड टायर्स की बात करें तो टायर हमें यहाँ पर 15 इंच टायर देखने मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया टायर है। एंड ऐसी कुछ है टायर एलॉय व्हील के डिज़ाइन, ठीक है। तो एक बार कीज़ की बात कर लेते हैं गाड़ी के, तो कीज़ कुछ इस तरीके की आती है गाड़ी की। इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट के जो हमें बटन देखने मिल जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी मैं जैसे इसको अनलॉक करूँगा, इसके जो ORVM है ये ऑटो फोल्ड है, जैसे ही लॉक करूँगा ना अगर मैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। बट खोल लेते हैं इसको, ठीक है। पीछे के डोर की अगर हम बात करें तो क्रोम में हमें पूरे पीछे के डोर हैंडल देखने मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो बैठ के देख लेते हैं एक बारी। हाँ, तो इसका जो डोर है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, काफ़ी प्रीमियम सा दिख रहा है, ठीक है। एंड डोर की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा जो है हमें सॉफ्ट टच देखने मिल जा रहा है। एंड मतलब अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। पूरा मतलब सॉफ्ट टच है यहाँ पर, लेदर है एंड ये भी लेदर है। ये जो हमें डोर है ये ब्लैक एंड थोड़ा सा येलो पीच टाइप में कुछ ऐसा कलर देखने मिल रहा है। जो इसका पावर विंडो के ऑप्शन है वहाँ पर हमें ये सिल्वर जो है डिज़ाइन देखने मिल जा रही है। यहाँ पर हमें जो है इसके अंदर के हैंडल ये क्रोम में देखने मिल जा रहे हैं। लॉक एंड अनलॉक ये मारुति सुजुकी जैसे देखने मिल जा रहे हैं। यहाँ पर ट्विटर का ऑप्शन है, नीचे स्पीकर का ऑप्शन है। बॉटल होल्डर इसमें है, दिखा देता हूँ। बॉटल होल्डर कुछ इस तरीके का देखने मिल रहा है। सीटिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया जो है सीटिंग्स देखने मिल जा रही है, बिकॉज सेडान गाड़ी है, कंफर्ट इसमें ज़्यादा हो गई। ऊपर की अगर मैं लैंप्स की बात करूँ तो लैंप्स कुछ इस तरीके के हैं, येलो कलर में हमें लैंप्स देखने मिल जा रहे हैं। एंड मतलब आप देख सकते हैं। एंड सीट्स भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही गाड़ी की, ठीक है। एंड ऐसा कुछ है यहाँ का, मगर होंडा वालों की ना ये क्या है मैं बताता हूँ, ये आफ्टर मार्केट नहीं आता होगा। यहाँ पे रुक सकता है मगर ये नहीं रुक रहा, तो ये चीज़ मतलब होंडा वालों को थोड़ी सुधारनी चाहिए, ठीक है। जो इसके हेडरेस्ट है वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कुछ है यहाँ की सीट बेल्ट्स। एंड पीछे की मैं बैठ के दिखाऊँ ऐसा कुछ आता है। पहली बात जो इसकी सीट्स है ना, मैं सच बताऊँ आपको, ये देखो मतलब इतनी जो गद्देदार जो इसकी सीट्स है ना, मैं बिल्कुल कूद रहा हूँ उन पर। ये देखो ये बीच में जो है ना, ये मतलब ख़तरनाक है, ये बैठने में मज़ा आ रहा है। ऐसे कुछ इसकी एसी की वेंट्स, ये टूट गया है, तोड़ दिया किसी ने कुछ, ठीक है। यहाँ के ऐसे हम एसी कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं इसको मैन्युअली, ठीक है। ऐसा कुछ आता है कैबिन, इसमें आ रहा है सनरूफ, काफ़ी ख़तरनाक जो हमें सनरूफ देखने मिल रहा है। एंड ऐसी कुछ यहाँ की लाइट्स, ये सनरूफ वगैरह के होंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। एंड अभी आगे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर, ठीक है। तो खोल लेते हैं हम डोर को, एक हाथ से डोर खोलना भी एक टास्क है। तो यहाँ पर जो हमें रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने मिल जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये लॉक हो गए हैं बट खुल नहीं रहे, लॉक ही होते हैं क्या इससे पता नहीं। मैं अनलॉक कर लेता हूँ कीज से, कोई बात नहीं अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का डोर भी वैसा ही है, ब्लैक एंड कॉफ़ी टाइप, काफ़ी बढ़िया मुझे डोर लग रहे हैं भाई इसके, सच बता रहा हूँ मैं पर्सनली, सच मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे कुछ है यहाँ के इसके वैनिटी मिरर, काफ़ी ज़्यादा जो बढ़िया हमें वैनिटी मिरर देखने मिल जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कुछ आता है इसका, इसमें डे नाइट वाला नहीं आ रहा है इसमें, और पीछे का जो मिरर है। ऐसे कुछ आती है इसकी स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। इसका एसी की बात करें तो ये हमें मैन्युअली ही कंट्रोल करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ आता है इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा जो हमें अच्छी स्टोरेज इसमें देखने मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आर्मरेस्ट, काफ़ी बढ़िया जो है आर्मरेस्ट देखने मिल रहा है, इसके अंदर भी हमें स्टोरेज देखने मिल रही है, ठीक है। एंड
मतलब काफ़ी बढ़िया है। इट्स का जो डिज़ाइन है ना काफ़ी यूनिक है, इसमें देख सकते हैं इसका बटन अलग ही आ रहा है। एंड जो यहाँ के एसी के है ना इवेंट्स, यहाँ से टोटल एरिया बिल्कुल ऑडी वाला आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर तरफ एंड देख लेते हैं वहाँ में क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं। ठीक है, सो ड्राइवर साइड डोर की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं कर देता हूँ बंद। ड्राइवर साइड डोर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर चार पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने मिल जा रहे हैं। ठीक है, ORVM के कंट्रोल हमें यहाँ नहीं देखने मिल रहे हैं, ORVM के कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर भी ट्विटर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, नीचे स्पीकर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, नीचे बॉटल होल्डर है। ठीक है, सो अभी मैं इग्निशन खोल लेता हूँ। तो इसमें था पुश स्टार्ट बटन, बस चाबी अपन को रख लेनी है। पुश स्टार्ट बटन आ रहा है गाड़ी के अंदर। एंड ये थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड है, एक और बारीक हमें करना पड़ेगा। ये हो गया, ऐसे कुछ आ रही है की डिस्प्ले। तो ये स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ आता है इसका साउंड सिस्टम वगैरह, अभी मैं सब सुनाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कर देता हूँ मैं कम। ठीक है, तो इसमें ऑटो का बटन आ रहा है पावर विंडो में, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ रहा है हमें। ठीक है, तो इग्निशन मैंने बंद कर दिया था, मैं इग्निशन खोल लेता हूँ। तो ये जो है ना इसके एसी के सिस्टम्स मैं दिखाता हूँ। ये जो एसी का सिस्टम है ना, पूरा टच वाला है इसमें। ठीक है, सो गियर्स भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीट्स एक बार हाइट एडजस्ट की बात करूँ ना, काफ़ी पहली बात तो क्वेश्चन है, मुझे बहुत बढ़िया सीट लग रही है इसकी। सो कर लेता हूँ मैं इसको ऊपर, कितनी ऊपर ही जा सकती है, बस इतनी ऊपर जाएगी, बस सेडान गाड़ी के हिसाब से तो ठीक है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको हम छोड़ देते हैं। तो एक बार सिस्टम्स की हम बात कर लेते हैं। पंडाल में खो जाने के बाद कोई उसे घर, देख सकते हैं आप इसका सनरूफ ऐसा कुछ आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी जो है इसमें। तो ऐसा कुछ आ रहा है टोटल। इसमें स्टीयरिंग सीकर में बात करूं, यहाँ पर हमें ये चैनल चेंज के कंट्रोल्स हमें देखने मिल जा रहे हैं। ठीक है, चैनल वगैरह हम इससे चेंज कर सकते हैं। इसमें हम वॉल्यूम का जो हमें बटन देखने मिल जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, साउंड में तेज करूँ, यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्पीड इसकी आ जा रही है भाई 220, क्योंकि काफ़ी बढ़िया जो है मैं जो स्पीड इसकी देखने मिल रही है। साउंड को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा स्लो गाना चला के। ठीक है, जो भी हमें टोटल कंट्रोल देखने मिल जा रहे हैं, ORVM के कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने मिल जा रहे हैं। जो इसका डैशबोर्ड है ना, इसकी जो डिज़ाइन मैं आपको बताऊँ, तो पूरी खतरनाक डिज़ाइन यहाँ पर देखने मिल रही है, यहाँ से वहाँ तक। ये है ना, ये हमें सॉफ्ट एज एक मिल रहा है पूरी ब्लैक स्टिचेस के साथ, 17 इंच की डिस्प्ले देखने मिल जा रही है। ठीक है, ऐसा कुछ आप इसका हैंड हम गियर्स का ऑप्शन है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इस तरीके कुछ थोड़े बहुत चार्जिंग सॉकेट्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ पेन ड्राइव का जो ऑप्शन है शायद देखने मिल रहा है, कुछ कार्ड वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं वहीं पर इंस्टॉल्ड का जो है देखने मिल रहा है, सबको कर देते हैं मन। यहाँ पर छोटा जो है चार्जर। एसी की बात कर लेते हैं एक बारी, तो पहले हीटर की बात करते हैं हमें भाई। खतरनाक हवा फेंक रहा है यार, बहुत खतरनाक हवा है। पहली बात तो गाड़ी हो रही गर्म, अभी ठंड का टाइम है वैसे भी, लेकिन गाड़ी तो गर्म हो ही रही है। ठीक है, तो मैं हीटर एसी चलाता हूँ, इसको हम ऑफ कर देते हैं यहीं से। ठीक है, एंड ऑटो का भी इसमें ऑप्शन में देखने मिल रहा है। तो एक बार इंजन की नॉइस सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले ORVMs की बात कर लेते हैं। अभी मेरा शीशा जो है पूरी तरीके से बंद है, एंड यहाँ से हम इसको एडजस्ट वगैरह सब कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ऑटो फोल्ड है, दोनों है, यहीं से कर सकते हैं हम बटन दबाकर। ठीक है, एंड ये ना अगर बीच में रहे तो समझ नहीं आता, इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा हमें लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट में कर दिया, एंड देख सकते हैं यहीं से मैं पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से जो है दिख रही है। तो इतना नहीं करना हमको। ठीक है, एक बार अगर हम इसके जो है इसकी बात करें तो ये भी उठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं,
ठीक है, इसमें सनरूफ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया बात लगी है, ग्रैब हैंडल का ऑप्शन देखने मिल जा रहा है, तो उसको हम कर लेते हैं बंद। ठीक है, सो इसके इसमें क्रूज़ कंट्रोल का जो ऑप्शन देखने मिल रहा है काफ़ी बढ़िया जो है। ठीक है, तो एक बार इंजन की नॉइज़ सुना देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कर लेता हूँ मैं इसका, एक इधर की आदत होगी मेरे को। तो ये डिस्प्ले बंद होगी शायद, ही पावर लेता होगा, मतलब गाड़ी में जो है ना वाइब्रेशंस तो नहीं है। इसके स्टेयरिंग्स जो हैं काफ़ी लाइट हो गया है, देख सकते हैं आप, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। टायर्स जो है गाड़ी के सीधे ही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इंजन की नॉइज़ सुनाऊं तो टॉर्क इसमें आ रहा है, कर लेते हैं बंद। वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में ज़रा भी। ठीक है, एंड मतलब इसमें ना सिस्टम अलग है, देखो टॉर्क का जो है इसमें अलग बताता है, स्पीड अलग बताता है, एंड ट्रिप्स एंड जितनी भी आपकी गाड़ी चली हुई है ये सब इधर अलग बताता है। ठीक है, एंड एक बारी मैं वाइपर्स वगैरह की बात करूँ तो देख सकते हैं ये ऑटो वाला है सिस्टम है इसमें। यहाँ पर जो है इसके लाइट्स के कंट्रोल, एक बार मैं लाइट्स के कंट्रोल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें ऑटो का जो ऑप्शन नहीं देखने मिल रहा हमको। तो गाइस ये थी 2017 मॉडल होंडा सिटी, देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।